वकीलों ने आह्वान किया है एक दिन के हड़ताल का कार्य बहिष्कार किया है। लेकिन उससे पहले इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सातवीं सीपीए इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और साथ ही सीएम योगी ने इसका उद्घाटन किया। तो 16 जनवरी से 19 जनवरी तक ये सम्मेलन चलेगा, जहां पर सम्मेलन में विधायी कामकाज पर चर्चा की जाएगी। तो 8 देशों के 141 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। तो सातवीं सीपीए इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ जो आज ही लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है उसका उद्घाटन। बता दें 16 से लेकर 19 जनवरी तक ये सम्मेलन चलेगा, जहां इस दौरान विधायी कामकाज पर चर्चा की जाएगी। 8 देशों के 141 प्रतिनिधि बताया जा रहा है इसमें हिस्सा लेंगे। तो इस दौरान की तस्वीरें हैं जब इस सीपी इंडिया रीजन की कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ। और आदित्य द्विवेदी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आदित्य, आखिरकार सीपीए इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कर दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए, साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के जरिए। किस तरह से इस 16 से लेकर 19 जनवरी तक जो एक कार्यक्रम चलेगा, रूपरेखा किस तरह की तय की गई है और फोकस आखिरकार इस सम्मेलन का क्या है? सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और कैसे मजबूत हो, देश में लोकतंत्र का वातावरण और कैसे शुद्ध हो, इसको लेकर के वहाँ विचार विमर्श शुरू हो चुका है। स्पीकर जो उत्तर प्रदेश के हैं हृदयनारायण दीक्षित जी, उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट किया हुआ है कि संसदीय प्रणाली को और मजबूत करने की जरूरत है। संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर किसी भी तरह से असंसदीय कार्य न होने पाए, किसी तरह का हंगामा ना हो, इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए, इस पर जोर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र देश की माटी में रचा बसा हुआ है। जी आदित्य, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इस कार्यक्रम में 8 देशों के 141 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, कोशिश है यूपी को फोकस यहाँ पर करा जा रहा है, और किस तरह से और तमाम चीजें जुड़ पाए प्रदेश से, उसकी भी कोशिश यहाँ पर दिख रही है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो विश्व के कई ऐसे देशों के प्रतिनिधि बुलाए गए हैं, ऐसे जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया है जहाँ पर लोकतंत्र स्वस्थ रूप से कायम है, और उनको ये दिखाने की भी यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से हमारे देश में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती है, किस तरह से आम जनता की बातें सुनी जाती हैं, और कतार में जो अंतिम कगार में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी भी बातों को ध्यान में रखा जाता है। सभी का ध्यान रखने के लिए लोकतंत्र को और सुदृढ़ बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, इसके लिए लगातार बैठकें होती रहती है। ये जो 2-3 दिन चलेगा कार्यक्रम 19 तारीख तक, उसके साथ ही एक प्रतिनिधिमंडल को यहाँ पर भगवान राम जन्मभूम भी ले जाएंगे, ये भी परमिशन सुप्रीम कोर्ट से मिल गई थी। तो पूरा कार्यक्रम काफी बड़े पैमाने पर है, हर दिन कुछ ना कुछ नया होना है, इस तरह का कार्यक्रम 19 तक चलता रहेगा। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो सातवीं सीपीए इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस जिसका शुभारंभ आज किया गया है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए, 8 देशों के 141 प्रतिनिधि जो इस इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं, 16 से लेकर 19 जनवरी तक ये सम्मेलन चलेगा।